हे गाइस, हाउ आर यू ऑल टुडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ बहुत सारे कलर के साथ, बिल्कुल कलरफुल सा एक बहुत छोटा सा स्क्वायर पीस। और इसको आप बहुत सारी चीज़ों के साथ शेयर कर सकते हो, जिस तरीके से आप चाहें, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से। आप चाहें तो इसे सेंटर टेबल पर एज अ शो के तौर पर भी रख सकते हो, इसको टेबल मैट बना सकते हो पूरा प्रॉपर बना के, या फिर आप इसी तरीके से इसको स्क्वायर वाला थालपोश भी बना सकते हो। इसमें इस तरीके से जालियाँ बनाइए, लटकन लगा दीजिए, थालपोश आपका तैयार है। और सबसे अच्छी इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके पास बहुत सारी वूल बच गई है, छोटे छोटे टुकड़ों में हैं, तो भी आप इसका रीयूज कर सकते हो। इसमें कहीं भी बेकार नहीं लगेगा। बहुत सारा आपने देखा होगा कि जब हम थालपोश बनाते हैं उसमें बहुत सारी वूल लगा देते हैं तो बहुत अजीब सा मैसी मैसी लगता है वो। इसमें वो बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा और एकदम क्लियर। देखिए, एक कलर भी मैंने दोबारा यूज नहीं किया है, एक कलर एक बार है। इसमें 6 रो मैंने कंप्लीट बनाई है तो एक कलर एक बार ही मैंने रिपीट किया है। आप चाहें तो बड़ा बना रहे हो तो उसको सेकंड बार रिपीट कर सकते हो, थर्ड बार रिपीट कर सकते हो। बट देखिए, मैंने एकदम 6 कलर हैं, 6 रो हैं, फिर भी आपको बिल्कुल भी मैसी नहीं लग रहा है, बहुत ही क्लियर लग रहा है, बहुत ही सिंपल लग रहा है। और पास में मैंने इस तरीके से लीफ शेप में इसके पैटर्न्स बनाए हैं, यानी जो पैटर्न है वो लीफ शेप का है, तो इस तरीके से इसको बनाया है। तो गाइस, उम्मीद यही करती हूँ कि आपको वीडियो ये अच्छा लगेगा। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप में से बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने यहाँ पर इसके कॉर्नर में एक पिक लगा दूंगी, उसमें आप देख सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, 3 से 4% या 6% लोग ही सब्सक्राइब किए हैं अभी तक चैनल को। तो प्लीज़ चैनल को आपका कुछ नहीं लगता है, हमें थोड़ा सा जो है बहुत साहस मिलता है कि आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हो, तो उसके लिए हम भी बहुत कुछ आपके लिए करने की सोचते हैं। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। वीडियो आपको पूरा देखना है, पूरा वीडियो देखने के बाद बताना कि वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज़ उसे भी बताना, मैं बिल्कुल भी उसका बुरा नहीं लगेगा। अगर आपको मेरी कहीं भी समझाने का तरीका गलत लगता है या समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हो, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। या फिर आप हमसे कुछ नया बनवाना चाहते हो तो भी हमें आप कमेंट करें, उसके नीचे मैं अपना कोई ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर या फिर अपनी इंस्टा आईडी आपके साथ शेयर करूँगी। उस पर आप मुझे उसकी पिक शेयर कर सकते हो, मैं आपकी डिज़ाइन जरूर से ज़रूर बना के आप तक पहुँचाऊँगी। चलो चलिए मिलते हैं वीडियो में, आप इस वीडियो को इंजॉय करिए। बहुत सिंपल और यूनिक तरीके से मैंने इसको बना के तैयार किया है, तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो गाइस देखिए, मैंने इस तरीके से पट्टी बनाई है और इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 2 या 3 मिनट का वीडियो, तो आप जाकर देख लें किस तरीके से डिज़ाइन बनती है। तो अब हम इसके साथ आपको टेबल मैट या फिर आप स्क्वायर में थालपोश भी बना सकते हो। सबसे पहले आपको इसकी इधर से नहीं, मतलब ऐसे नहीं लेनी है, इधर से जितना आपका टेबल मैट बना रहे हैं या फिर जितना आप थालपोश बना रहे हैं उसकी चौड़ाई ले लीजिए। या तो आप स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने ये डिजाइंस बनाई हैं। आपने बिल्कुल स्क्वायर बनाना है तो 10 रो ही आप बना लीजिए, स्क्वायर हो जाएगा। अगर टेबल मैट बना रहे हैं तो उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होती है। तो इसमें देखिए, आपके पास अगर इस तरीके से उनके जो धागे बच जाते हैं उसका भी रीयूज कर सकते हैं। तो आज मैं इसी के साथ बनाना बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमने ये बना लेना है, यहाँ से स्टार्टिंग में मैंने बनाया था, तो चलिए मैं बना लेती हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने ये बना के तैयार कर लिया है। अब क्या करना है, आपने इस तरीके से हमने ये पकड़ना है, देखिए इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये जो चैन आ रही है हमारी, चैन के थर्ड वाले में हम इसको यहाँ से निकाल के चैन के इधर से लूप में से हम इसको निकाल देंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको बैक करेंगे, इस तरीके से बैक करके हमने अपनी इस चैन में जो है सिंगल चैन बनानी है। और अगेन देखिए, 1 2 3 की चैन बनानी है, 3 की चैन बनाएंगे हम, इसको निकालेंगे यहाँ से, ये वाला जो है यहाँ से हम इसको
निकालते हुए अपना डिज़ाइन को स्टार्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके से, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैन बनाएंगे। अगेन 4 टाइम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। डिज़ाइन में आपको कुछ नहीं करना, सेम रिपीट करना है। बहुत सिंपल डिज़ाइन है। अगर आप बिगिनर हो और डिज़ाइन आपसे सही से नहीं बन पाती तो भी आप इसको बना लेंगे। इस तरीके से चैन लेंगे, इसको टर्न करेंगे और अगेन हम इसमें जाके इस तरीके से 1, 2, 3 चैन बनाएंगे, अगेन बनाएंगे। मैं एक एक फ्लावर और बना के आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद आप बना लोगे। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 की चेन बनाएंगे और अगेन इसमें 4 टाइम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से सभी को एक साथ निकालेंगे और एक साथ निकालने के बाद यहाँ पर जाके आपने चाहे तो आप इस तरीके से जो है यहाँ पर जोड़ सकते हो, स्लिप नोट के हेल्प से भी जोड़ सकते हैं आप। और यहाँ पर इस तरीके से जोड़ने के बाद एक चैन लेंगे और वापस हम इस लूप में आ जाएंगे। 2, 3 चैन लेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से चैन को छोड़ेंगे और चैन को छोड़ के जो हमारी ये वाला है नेक्स्ट वाला लूप है, हम इसमें इसको इंसर्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे और अपना नेक्स्ट रो जो है वो स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से आपने इसको जोड़ लेना है। 2, 3, 4, 5, 6 देखिए मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो गाइस बहुत सिंपल है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। देखिए इस तरीके से, देखिए कितना प्यारा लगेगा ये। तो चलिए मैं इसको जोड़ लेती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रो बनाई हैं और 6 कलर की मैंने इसमें रो बनाई। आप चाहें तो डबल कलर का भी आप कॉम्बिनेशन रख सकते हो। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं से छोटा और कहीं से ये बड़ा दिखाई दे रहा होगा, उसका रीज़न क्या है मैं सारे डाउट आपके क्लियर करती चलूँ साथ के साथ। उसका रीज़न ये है, कोई वूल जो है वो थोड़ी पतली है और कोई वूल जो है वो थोड़ी सी थिक है। जब आप रीयूज करते हो किसी चीज़ का तो इस तरीके से ही होते हैं। जिस तरीके से आपके पास छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं उसमें से आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से एक सर्कल एक रेक्टेंगल बना लेना है, या तो आप स्क्वायर पीस बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, जिस तरीके से आप बनाना चाहो उस तरीके से बना सकते हो। चाहे तो आपने देखिए मैंने यहाँ पर 6 ये लगाए हैं लाइन, अब चाहे तो 10 या 8 लगा सकते हैं। तो उसी तरीके से ये अगर 10 लगाएंगे तो ये पूरा रेक्टेंगल हो जाए, स्क्वायर पीस हो जाएगा। अब इसके बाद आपको कोई सा भी एक कलर ले लेना है, जिसके कि मैं वाइट ले रही हूँ और आपने टॉप पे से इसको स्टार्ट करना है। आप बॉटम से भी कर सकते हो, बट टॉप से करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इस तरीके से मैं इसमें इसको जोड़ूंगी, इस तरीके से अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 की चैन बनाएंगे और इस चैन को हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जोड़ देंगे। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएंगे, नेक्स्ट लूप में जोड़ देंगे। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनाएंगे, इसमें भी मैं यहाँ पर जॉइंट कर दूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनाएंगे, यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारी क्लियर हो गई है। अगेन देखिए यहाँ पर आने के लिए देखिए आपको क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनाएंगे और इस वाली जगह पर यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरीके से। कॉर्नर हम यहाँ पर बना देंगे जब बताएंगे आपको। देन 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब ध्यान रखिएगा, अगर आपकी जो चैन है जो आपका हाथ है वो थोड़ा सा टाइट चल रहा है तो आप चैन को 7 भी कर सकते हैं। खिंचाव नहीं आना चाहिए आपकी चैन में, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। तो देखिए इसी तरीके से आपने सारे लूप्स पे हम यहाँ तक इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ तक इसको
कर लिया है कंप्लीट। देखिए चारों तरफ से अब क्या करना है, आप चाहें तो इसके ऊपर एक दो जालियां और बना सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बनाकर दिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। अगेन हम नेक्स्ट जाली में जाएंगे, इस वाली में अगेन 1 2 3 चैन बनाएंगे, और यहाँ पर हमने देखिए 1 2 3 4 5 फाइव डबल क्रोशिया बनाए हैं, और सॉरी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 हमारी चेन है तो टोटल हमें 5 डबल क्रोशिया चाहिए। और यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे, और अगेन सेम प्लेस से 5 टाइम डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इस तरीके से आएगा। इस वाली चेन में हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, देखिए इस तरीके से। एक और बना के दिखा देती हूँ, वल लेंगे, वल लेके नेक्स्ट लूप में जाएंगे, और देखिए 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन बनाएंगे, और अगेन सेम प्लेस से 5 टाइम डबल क्रोशिया, थ्री फोर फाइव, ठीक है। और इसमें फिर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से, देखिए एक में बनाएंगे, एक में सिंगल क्रोशिया करेंगे इसी तरीके से। तो मैं यहाँ पर आपको कॉर्नर बनाना बता देती हूँ एक बार, देखिए 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 की चैन बनाएंगे, अगेन सेम प्लेस से 5 टाइम डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 एंड 5, और ये यहाँ पर मैं इसको सिंगल क्रोशिया कर दूँगी, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर मेरी ये 3 ये आ गई हैं। अब इसी तरीके से अब क्या करना है आपने, हमने जहाँ पर सिंगल क्रोशिया करी है, देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करी है, हम उसी जगह से सेम 1 2 3 चैन लेंगे, और सेम प्लेस पर हम अगेन बनाएंगे 3 4 5, 1 2 3 चैन स्पेस, और सेम प्लेस से 5 टाइम डबल क्रोशिया इस तरीके से, 3 4 एंड 5, देखिए। और नेक्स्ट वाले गैप में हम इस तरीके से कर देंगे, तो ये हमारा एक कॉर्नर बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आपको कॉर्नर एडजस्ट करने, आप चाहे तो इस तरीके से भी रख सकते हैं, इसमें भी अगर देखिए आप इस तरीके से बनाएंगे, देखो इस तरीके से मैं बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा टफ लगे, तो आप सेम देखिए, मैं अभी इसमें आपने सिंगल क्रोशिया करना है, और नेक्स्ट वाले में जाके आपने पैटर्न बनानी है, वही वाले ये वाला पैटर्न बनाना है 5 टाइम डबल क्रोशिया, देखिए उसमें भी ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, 2 3 4 5, 1 2 3 चैन, और अगेन सेम प्लेस से 5 टाइम डबल क्रोशिया, 2 3 4 5, इस तरीके से। देखिए इसमें भी ज़्यादा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस तरीके से भी आपका कॉर्नर बन सकता है, तो आप इसी तरीके से जिस तरीके से आपका कंफर्टेबल हो उस तरीके से कॉर्नर यहाँ तक हम बनाएंगे, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, अब मैंने कोई चैन नहीं लेनी है, इसमें से हमने जो स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई थी उसकी 3rd वाली चैन में जाके मैं इसको स्लिप नॉट कर दूंगी, इस तरीके से। स्लिप नॉट करने के बाद 1 चैन लेंगे, और इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। अब इसको एक्स्ट्रा थ्रेड को हम साइड में रखेंगे, और जो स्टार्टिंग वाला थ्रेड है इसको भी हम थोड़ा सा कट कर देंगे, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा हाइड कर लिया था, तो कट कर देंगे। अब इसके बाद इस वाले थ्रेड को हम यहाँ पर हाइड कर लेंगे बैक की तरह, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा जब भी आप कट करें थ्रेड को, मैं हमेशा बताती हूँ थोड़ा सा बड़ा ही कट करें, उससे कभी भी आपका जो प्रोजेक्ट है, आप कुछ भी बना रहे हो तो उसमें वो आपको आपके प्रोजेक्ट को ख़राब नहीं करता है, वो ईजिली आपको प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग देता है,
और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो ख़राब नहीं करता है। आप बिल्कुल उसके पास से जहाँ पर नोट लगाएंगे वहीं से कट करोगे तो वो उसको निकाल देगा। तो देखिए फाइनल लुक इसका इस तरीके से है। आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक छोटा सा स्क्वायर पीस इसका बना लीजिए जो डिज़ाइन मैंने बताई है। उसके बाद आपने जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया, आपने यहाँ पर जो चैन बनाई थी मैंने, आप उस चैन की जालियाँ भी बना सकते हो। दो से 3 बार उसकी भी जालियाँ बना सकते हो। उसके बाद आप ये वाली डिज़ाइन बना सकते हो। या फिर आपने ये बनाने के बाद आपने यहाँ से यहाँ तक 10 10 फंदों की चैन लेके, यहाँ से जो हमने 3 3 फंदों की चैन लेकर स्पेस बनाया है, यहाँ से यहाँ ज्वाइंट कीजिए 10 फंदों से। उसके बाद उस पर आप दोबारा से ये वाली डिज़ाइन बना सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये क्रिएटिविटी कर सकते हो। मैंने ये छोटा सा पीस बना के आपको डिज़ाइन के तौर पर दिखाया है। तो कैसा लगा है कमेंट करके प्लीज़ बताना ना भूलना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी आप हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो हम भी बहुत खुश होते हैं और कुछ भी न्यू क्रिएटिव करने का सोचते हैं। लेकिन जब वीडियो को कोई नहीं देखता है या फिर उस पर कमेंट नहीं करते हो तो उसमें थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसमें वीडियो बनाने में वो नहीं अच्छा लगता जितना हमारा कोई वीडियो आप लोग बोलते हो, तो हम उसे बहुत जल्दी पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास आपको कुछ न्यू सिखाने का। इसमें आप बहुत सारे कलर भी यूज कर सकते हैं, और रीयूज का मतलब कि आपके पास छोटे छोटे जो टुकड़े बच जाते हैं उनका भी ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बड़ा बना रहे हो तो पूरी पट्टी एक ही कलर से बनाएं। अगर आपके पास छोटे छोटे कलर हैं तो आप थोड़ा थोड़ा स्पेस, मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस किसी कलर से, थोड़ा स्पेस किसी कलर से, इस तरीके से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट के जरिए बताना बिल्कुल ना भूलना। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बाय बाय और टेक केयर। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।